पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन को एक हवा से भरा गुब्बारा बताया और कहा कि 2019 के चुनाव हैं, जनता इसकी हवा निकाल देगी। वहीं सपा को समाप्त दल बताया और इसी प्रकार बसपा भी समाप्त दल ही है। और बात करें राष्ट्रीय लोक दल की तो वो लुढ़कता हुआ दल है, कभी इधर तो कभी उधर जाता रहता है। वहीं आरएसएस के भैया जोशी राम मंदिर आए और बयान पर बोले कि राम मंदिर तो वहीं बनेगा, वहीं पर बाबर के नाम पर कोई इमारत या कोई कब्रिस्तान बनने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पूछे गए सवाल पर बोले कि उनसे गठबंधन चल रहा है और उन्हें समझा लिया जाएगा। डिप्टी सीएम आज राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के पिताजी की 13वीं के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुरादाबाद आए थे। के निधन के अवसर पर यहाँ हम लोग सब श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और आप सबसे मुरादाबाद में ही मिलना था, लेकिन कार्यक्रम का कुछ ऐसा स्वरूप बना कि जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्टर्ड है तो उसको उड़ने में एक समय सीमा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दो वर्षों से, जब से योगी जी की अगुवाई हमारी सरकार बनी है, तब से मैं कहूं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों ने एक विकास का एक नया स्वरूप खड़ा किया है और विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ा है। पिछले कई दिनों से गठबंधन की चर्चाएं होती हैं तो मैं यह कहता हूं यह गठबंधन पूरी तरह से निष्प्रभावी रहेगा, यह स्वार्थी गठबंधन है। इस गठबंधन का लक्ष्य देश का ना विकास है, ना देश की जनता के उज्ज्वल भविष्य को कोई योजना है। इनका एक लक्ष्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो देश की गरीब जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो जनता ने भी मन में बना लिया है कि मोदी जी को दूसरी बार अवसर देने का काम करेंगे और सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल, यह तीन का जो गठबंधन बना है, ये गुब्बारे में जैसे हवा भरी होती है उसकी हवा जनता निकाल देगी। और सपा के बारे में मैं कहता हूँ कि समाप्त दल है, बसपा के बारे में बिल्कुल समाप्त पार्टी है और राष्ट्रीय लोक दल के बारे में इतना ही कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय लोक दल राष्ट्रीय लुढ़कता दल हो गया है, मतलब कभी इधर कभी उधर इनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आज इतना ही कहूँगा और कोई एक सर ओम प्रकाश केवल एक सवाल जी, सर, एक भैया जी जोशी का बयान आया कि राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जरूर बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वहाँ पर बाबर के नाम पर कोई स्मारक इमारत, कोई वहाँ पे कब्रिस्तान कुछ नहीं बनने वाली, वहाँ राम मंदिर ही बने। वहाँ पर कितनी सीटें छोड़ेंगे, गठबंधन होता है कि अन्य लोगों से आपका होगा गठबंधन नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वही रहेगा और मजबूत गठबंधन है और हम 2014 से बड़ी विजय 2014 मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाएगी राम मंदिर कैबिनेट मंत्री है।